अब आपको क्या लगता है एलजी की भूमिका कुछ अहम होने जा रही है आने वाले दिनों में? कोई कदम एलजी ले सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट देखिए में कि सबको कर? जो हेजिटेशन एलजी को और होम मिनिस्ट्री को होगा वो दूर करवा देंगे ये सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वो इनसे कहते कि इस्तीफा दो, वो कहते कि मैं तुम्हें डिसमिस करता हूं, सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगा मामला। आप तो अगर सही से होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम चीफ मिनिस्टर हो क्यों, फंक्शन कैसे कर रहे हो, धोखे से भी जो उसने पूछ ही लिया केवल कि बीइंग ए चीफ मिनिस्टर आप क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे, इतने में अगले दिन देखना कुछ क्या हो जाता देश में, इतने में एलजी मांगने लगेगा इस्तीफा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईडी से उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया, बस इतने में अरविंद केजरीवाल अंदर आ गए और अरविंद केजरीवाल से कहीं पूछ दिया कि आप सीएम हो, काम नहीं चल रहा होगा दिल्ली में, इतने दिन से बंद हो, इस्तीफा क्यों नहीं देते, और यही पूछ लिया कि भाई विचार करना चाहिए इस्तीफा देने पर, दिल्ली क्यों पनिश कर रहे हो, तो आप समझो अगले दिन क्या होगा। और ये इशारा अगर कर दिया जाए, कोई इंटरप्लीट कर जाए, जो जो पिटीशन गई थी ना हाई कोर्ट में तीन तीन कि इनको सीएम पद से हटाया जाए, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसी केस में इंटरप्लीट कर दें और कहें साहब कि हमारा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, हम ये एसएलपी लेकर आए, वो पीआईएल थी, पीआईएल एसएलपी बन गई, हम एसएलपी लेकर आए सब आपके पास, उसको उसके साथ अटैच कर दो, और उसने जैसे ही अटैच करेगा वैसे ही 5 जजों की बेंच चला जाएगा। खेलने वाले आप हों आगे से, अगर वो लोग खेल लेते हैं तो ये खतरनाक फंसेगा। मतलब आ बैल मुझे मार कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट जाकर। पर सर एक जो भगवंत मान ने मुलाकात किया आज तिहाड़ जेल में जाकर, बड़े दुखी थे कि वो शीशे के बीच से मुलाकात हो पाई, फेस टू फेस मुलाकात नहीं हो पाई। मतलब शायद वो जैसे संजय सिंह को गले लगाकर उछाल रहे थे वैसा कुछ करना चाहते होंगे वहां पे। तो बड़े दुखी थे कि आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्रिमिनल की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। मन बड़ा दुखी हुआ। तो ये क्या है, नियम कायदों के हिसाब से तो मुलाकात हुई होगी। और वो पी चिदम्बरम का उदाहरण दे रहे थे कि सोनिया गांधी पी चिदम्बरम से मिलने गई थी तो जेलर के कमरे में मुलाकात हुई थी, हमारे बारे में तो ऐसा नहीं सोचा गया। तो जेल तो आम आदमी पार्टी सरकार के अंडर आती है तिहाड़ जेल। वही मैं कह रहा हूं, ये सब ड्रामेबाजी बाहर हो रही है, कैमरे में दिखाने वाली बात दूसरी, जेल के अंदर घुसने के बाद 100 दरवाजे मतलब 100 रास्ते होते हैं जहां से आप भेंट करवा सकते हो, लेकिन ये जो ड्रामा देश को दिखाया जा रहा है वो दूसरा है। दूसरी बात ये भी है कि सोनिया गांधी की जब बात कर रहे हैं कि वो कर रहे ये कर रहे, तब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, बिल्कुल अब नरेंद्र अब मोदी जी थर्ड टाइम जा रहे हैं, वो सेकंड टाइम थे, तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में फर्क है। आज मोदी जी चुनाव ही भ्रष्टाचार पर लड़ रहे हैं, आप बीजेपी का पूरा चुनाव भ्रष्टाचार पर जा रहा है। अब सवाल यह है कि ये जो भ्रष्टाचार है इसको जनता नेगेटिव लेती है कि पॉजिटिव लेती है, उस पर वोट पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि सीएम दो दो बंद कर दिए, वो कह रहे हैं कि हम जितने हैं सबको बंद कर देंगे भ्रष्टाचार में, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे चाहे कितना ही भारी क्यों ना हो, और चुनाव के दौरान ही 750 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करवा दी, चुनाव के दौरान ही जलबोर्ड के लोगों की प्रॉपर्टी जब्त होने लगी, चुनाव के दौरान ही तमाम ईडी इस समय प्रॉपर्टियां जब्त करने पर लगी, और बार बार ये कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट कह रहे ठीक हो रहा। तो आप समझ लीजिए वो परिस्थिति नहीं कि चुनाव के चक्कर में डर जाएंगे, ये जो नर्वस 99 होते हैं ना, वो बीजेपी नहीं खेल रही इस समय, केंद्र की सरकार नर्वस 99 पे नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि कितना बड़ा स्कोर बनाएंगे ये देखो। और वहां से बाहर आकर जो कहा भगवंत मान ने कि उन्होंने पूछा, अपनी चिंता नहीं की, ये पूछा कि पंजाब कैसा है। तो सर पंजाब में तो बगावत की आवाजें आ रही है, बगावत की सुर उठ रहे हैं। तो यही तो पूछा होगा केजरीवाल ने कि भाई वो जो 7 सांसद हैं वो अभी तक दिल्ली एक बार भी नहीं आए मेरा हाल पूछने के लिए, जंतर मंतर पर भी नहीं आए, रैली में भी नहीं आए, तो कर क्या रहे हैं। तो यही तो जानना चाहोगा अरविंद केजरीवाल ने, वरना इस मुलाकात की इतनी जरूरत क्या थी। नहीं, जरूरत तो भाई ड्रामा तो करना ही ना, न्यूज बनानी उनको कुछ ना कुछ, असल में कल से न्यूज बनी नहीं पा रही, क्योंकि जैसे ही बीजेपी का मैनिफेस्टो आया तो वो मैनिफेस्टो ही चल रहा कल से, तो न्यूज नहीं बन पाई आप। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आतिशी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, की थी सौरभ भारद्वाज ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, लेकिन मीडिया ने उसको पकड़ा ही नहीं, तो उनको लगा होगा कि कुछ और करते हैं, तो उसके चक्कर में गए होंगे जेल कि भाई भगवंत मान की जेल में जाकर बता दो कि आतंकवादी ट्रीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा अभी सही से। अभी मीडिया बहुत सही से, अब मीडिया थक गई है इस मामले में कि भाई अब ये जो है वो ज्यादा हो गया, अब एक काम करो रोक दो। आपको याद है जब वो सीए का आंदोलन चल रहा था तो जामिया मिलिया के बाहर कुछ लड़के कपड़े उतार कर खड़े हो गए थे,
और उसी पर जाकर सारे चैनल फोकस कर लिए थे कि भाई साहब तुम्हें बहुत लड़ना है, हमारे चैनलों के एंकर कह रहे थे अरे तुम्हें तो बड़ा आंदोलन करना है, लड़ना है, ऐसे तो परेशान हो जाओगे। मैं एक न्यूज चैनल पर था, बड़े प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पर, मैंने कहा कि हमारे यहाँ चले जाओ सवेरे गंगा जी पर, जाने कितने लोग कपड़े उतार के नहा रहे होंगे, क्या ड्रामा हो रहा है। सवेरे गंगा जी पर चले जाओ तो आपको 4 बजे भद्दड़ सर्दी में हजारों लाखों लोग स्नान करते दिखाई पड़ते हैं वहां कपड़े उतार कर ठंडे पानी में, और ये खड़ा है बाहर तो बता रहे हो। तो ये क्या है कि न्यूज पोस्टर बनाते बनाते फिर थोड़ी देर में सबको समझ आ गया यार, एक ग्रुप खड़ा हुआ उसको ये लोग पुचकारते रहे, तब तक दूसरा खड़ा हो गया, तब तक तीसरा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा ये तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट सिद्ध कर लिया है कि कपड़े उतारो तो मीडिया आएगी। तो अभी जो है वो बार बार कपड़े उतार कर मीडिया नहीं आएगी, ये रोज कपड़े उतार रहे हैं तो कब तक मीडिया आएगी। तो मीडिया अब ठंडा गई, उसने कहा वह हो गया तुम्हारा काम, अब वो चला रही है हैदराबाद की माधवी, वो चला रही है बीजेपी का मैनिफेस्टो बनाम बाकी इनके मैनिफेस्टो, खंडित क्या कहते हैं, खंडित इंडी गठबंधन को, कि भाई ये आम आदमी पार्टी वो क्या नाम समाजवादी पार्टी अलग मैनिफेस्टो निकाल रही है, आरजेडी अलग निकाल रही है, कांग्रेस अलग निकाल रही है, तो ये बताओ जब ये सरकार बनेगी तो किसका वाला मैनिफेस्टो चलेगा। बिल्कुल, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो कुछ होना चाहिए था इनका ना, कि हम लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ तो सबकी अपनी अपनी डफली अपना अपना रागी अपना निकाल रहे हैं, तो किसका वाला चलेगा ये तो बताओ। तो क्या है कि इसका मतलब ये हो गया कि जनता को बेवकूफ बनाने का धंधा बना लिया है, कि भाई कैसे बेवकूफ बनाया जाए, कैसे प्रलोभन दिया जाए, 1 लाख देंगे कोई कह रहा, कि कोई कह रहा हम 2 लाख रुपए देंगे, कोई कह रहा हम ये भी फ्री कर देंगे, कोई कह रहा हम तुम्हारा सब कुछ फ्री कर देंगे। तो भैया आप कॉमन मिनिमम तो उसी पर इस समय चल रहा है कि भाई इनके मैनिफेस्टो बने उनके, अब आम आदमी पार्टी पीछे चली गई है, तो लेकिन उनको लगता है कि भाई कुछ नया घी तड़का लगाया जाए तो हो सकता है मीडिया बाद में आ जाए। लेकिन मीडिया भी इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि कपड़े उतारने की अगर आपने इंस्ट्रूमेंट सिद्ध कर लिया तो बार बार सभी वही करेंगे। और एक जैसा रागी तो है सर, पर सर अमानतुल्लाह खान को भी तो झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा है ईडी को कि अगर सबूत है तो गिरफ्तार करो, और उसको भी कहा है कि तुम ईडी के सम्मान का जवाब दो। तो यानी कि अब गिरफ्तारी की तलवार अरविंद केजरीवाल के लाड़ले के सिर पर भी लटक रही है। वो तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने एक जैसे एक शॉप है, आपने वो जो कुछ मूवियां आती है ना जिसमें एक ठेकेदार रहता है चोर मार्केट का, फिर उसके गुर्गे लगे होते हैं, जाओ तुम क्या करके लाते हो, तुम क्या कर ले, वो सब चुरा चुरा के लाते हैं उसको बेचते हैं। तो अरविंद केजरीवाल सरगना की तरह दुकान पर बैठे और बाकी अपने मंत्रियों से कह रहे हैं जाओ जाओ तुम भी निकाल लाओ, तुम भी निकाल लाओ, उधर तुम्हारा डिपार्टमेंट है उसमें से क्या हो सकता है, इसमें से क्या हो सकता है। अब वो मजे की बात यह है कि वो पकड़ने लगे, तो वो जितने हैं सब उसमें फंसे होंगे, सब के सब। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा ये सब फंसेंगे, कोई इनमें बचता नहीं है। तो अमानतुल्लाह क्या क्या लाएगा, कमा कर दे किसको रहा होगा, ये जो मस्जिद की जमीनें बेच रहा होगा तो किसको दे रहा होगा, वक्फ की जमीनें दे तो केजरीवाल को ही रहा होगा ना, इसी ने तो बेचे होंगे मिनिस्ट्रियां कि भाई ये ले जाओ तुम, ये 100 करोड़ की मिनिस्ट्री है, इतनी प्रॉपर्टियां हैं, क्या कमा के दोगे। तो अब मुखिया अंदर है तो धीरे धीरे सारी मिनिस्ट्रियों का खुल रहा है तो अंदर जाएंगे, सारे जाएंगे। और के कविता, उनकी भी जो जुडिशियल कस्टडी है वो 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है, और ईडी सीबीआई कह रही है कि वो पूछताछ में सहयोगी नहीं कर रही है। नहीं, वो सहयोग कैसे करेंगे, सहयोग तो वो ये सब घुटे हुए खिलाड़ी हैं भाई, ये इतने आसान थोड़ी ना सहयोग, ये शरद रेड्डी थोड़ी ना है, ये वो विजय नायर थोड़ी ना जो बोल देगा बेचारा, ये तो घुटे हुए हैं सब, ये ऐसे कैसे बोलेंगे। इनको तो पुलिस के पुलिसिया स्टाइल में पूछा जाए, ईडी पीडी को जवाब नहीं देंगे, ये तो पुलिस इनसे कबुलवा सकती है। तो पुलिस जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का तरीका अलग होता है बिल्कुल। आप कभी थाने अगर गए हों तो वहां एक बड़ा सा शीशा लगा होता है, शीशे के बगल में कुछ पट्टा डंडा, बड़ा डंडा छोटा डंडा, और उसमें लिखा होता है क्या मैं आऊं, डंडा जहां लगा होता है उस पर लिखा होता है मैं आऊं, फिर अगले वाले में ध्यान दोगे तो वो लिखेगा क्या मेरी भी जरूरत है, फिर अगले वाले पट्टे पे लिखा होता है लगता है मेरे बगैर काम चलेगा नहीं। तो वो शीशे लगे होते हैं, शीशे में शक्ल देखो और ये लगे हैं सब लाइन से, तो वो पुलिसिया स्टाइल होता है, पुलिस सबको बुलवा लेती है, ऐसे ऐसे थोड़ी ना जवाब देंगे।